हॉट है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, भोजपुरी में उसके जैसा कोई है नहीं, इसीलिए सपोर्ट बिल्कुल कैसे नहीं है भाई उनके जैसा, कैसे नहीं, बहुत सारी इतनी सारी एक्ट्रेस अच्छा, है उसके जैसा फिगर वाली कौन है बता दीजिए, देख रहे हैं हमको तो उनके अक्षरा सिंह के जैसा फिगर वाली कोई नहीं, नहीं को नुकसान नहीं होता, 2-3 लाख रुपया अक्षरा सिंह स्वाभिमानी लड़की है पहले ही बोल दिए थे, वो वापस कर देती, वो पैसा को कभी अहमियत नहीं देती है, वो लड़की है, वो कभी भी अपने इज्जत और मान सम्मान से बड़ा कभी किसी चीज को नहीं मानी है वो, इसलिए वो भी ठोकरा दी गई थी। बेटा आके ड्रामा करने लगा और बोला कि पहले तो पटाने का कोशिश की, शादी करने का प्रपोजल दिए, अक्षरा सिंह एक्सेप्ट नहीं की, दीदी बनाए वहाँ पे भी गुस्सा होके चली गई, कोई में इसका उपाय नहीं हुआ, तब सोचा कंट्रोवर्सी करके नाम का शादी करने की बात करता हो, जिसके बहन की शादी करने की बात कर अपने बहन से, जिसके खानदान में अपने बहन से ही शादी होता हो उसके बारे में क्या चर्चा कीजिएगा, बहन से शादी कैसे हो रहा है ना, तो गाना है तो गाना है तो बहन बोलेंगे, हमारे साथ जितना भी लड़की लोग नाचती है सबको हम बहन बोलेंगे, जो डांस करती है भाई नाम धके बोलेंगे, नाम है तो अक्षरा सिंह को, हम भी तो अक्षरा सिंह बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, ये थोड़े बोल रहे हैं, दीदी थोड़े बोल रहे हैं, अब दीदी बोल के हम गाएंगे कि हाँ अक्षरा सिंह से शादी करेंगे, VIP विजेंदर सिंह के साथ उसका गलत करके आया है, उसके साथ साथ आपको बता दे माही मनीषा हो गई, उसका विरोध किया, कुछ ना कुछ ये करता ही है कॉन्ट्रोवर्सी के लिए। मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24, आज बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में हो रही छियालीदर पे, छियालीदर ही कहेंगे क्यों ना कहें, आए दिन भाई साहब जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ भी होते रहता है, किसी भी चीज़ों पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, अभी देख रहे हैं भरी स्टेज पे अक्षरा सिंह जो है माइक फेंक कर भागती है, और शिवेश मिश्रा जो है इस पे अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं कि पैसे ले के गई, 5 लाख रुपए ली, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वीरू किशन जी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आइए कुछ बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे जो मामला अभी चल रहा है शिवेश मिश्रा और अक्षरा सिंह का। सबसे पहले तो इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम, क्या कहेंगे ऐसे ऐसे लोग, अक्षरा सिंह तो भाई ब्रांड है, उसको कोई रोक सकता है, वो तूफान है, आंधी है, और उसके नाम पे शिवेश मिश्रा को भूत सवार हो गया है कि चलिए थोड़ा सा पब्लिसिटी मिल जाएगा, तू नौटंकी कर रहा है तो क्या, इसे इसे नीच इंसान का, छोट इंसान का, जिसका मानसिकता ही गलत हो, जो अपनी बहन से शादी करने की बात करता हो, जिसके बहन की शादी करने की बात कर अपने बहन से, जिसके खानदान में अपने बहन से ही शादी होता हो, उसके बारे में क्या चर्चा कीजिएगा, बहन से शादी कैसे हो रहा है। बिल्कुल, वो खुद कुछ दिन पहले गाना गाया था कि अक्षरा सिंह से शादी करो, ओकरा बाद अक्षरा सिंह को सिस्टर बोल रहा है, बहन बोल रहा है, दीदी बोल रहा है, तो इससे क्या कह सकते हैं, मतलब अक्षरा सिंह इसको, वो तो गाना है ना, तो गाना है तो बहन बोलेंगे, हमारे साथ जितना भी लड़की लोग नाचती है सबको हम बहन बोलेंगे, जो डांस करती है भाई नाम धके बोलेंगे, नाम है तो अक्षरा सिंह को, हम भी तो अक्षरा सिंह बोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं, ये थोड़े बोल रहे हैं, दीदी थोड़े बोल रहे हैं, अब दीदी बोल के हम गाएंगे कि हाँ अक्षरा सिंह से शादी करेंगे, वाह। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं माइक का तोहिन की है वो बड़ी स्टेज पे जो अच्छा, चीज माइक के साथ गलत हुआ है तो क्या बोल रहा है शिवेश मिश्रा कि क्या बोल रहा है सरस्वती का अपमान हुआ है, माइक में कब से सरस्वती जी विराजमान होने लगे हैं, अरे बेवकूफ, किताब में होते हैं, हारमोनियम में होते हैं, गिटार में होते हैं, माइक विश्वकर्मा का देन है, पहले ये समझा दीजिए उसको, माइक गाड़ी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो विश्वकर्मा का देन है, थोड़ा देर के लिए अगर बोलता है कि विश्वकर्मा का अपमान है तो माना जा सकता है, उसके ऊपर भी तो पैसा फेंका गया तो लक्ष्मी का तो अपमान होबे किया, तो उससे मतलब नहीं है, बात वो विवाद से नहीं है कि माइक फेंका गया, गाना बजाया गया, ये किया गया, वो क्या, उसके बाद आने के बाद ये एडिटिंग करके पैसा कमाने के लिए अक्षरा सिंह के वीडियो को पवन सिंह से गाना से कोरिलेट करके चढ़ा दिया, तो गलती तो शुरुआत तो ये किया है ना, बताइए जहाँ बात शुरुआत की है, मतलब किसी ने जो है पवन सिंह का गाना चला दिया जिस पे इतनी बात हो गई, क्या दिक्कत है, एक बार जिसको नजर से उतार देता ना कभी उस पर नजर नहीं डालता है, तो गाना क्या, पवन सिंह का परछाई भी आ जाएगा ना तो वो लात मार के हट जाएगी, अक्षरा सिंह स्वाभिमानी लड़की है, एक बार आने के बाद दोबारा उसके पास जाती नहीं है, वो बार बार वो कुछ गुण भी नहीं सुनना उसके लिए गलत ही है, अपने दम पे बनी है, किसी के बदौलत नहीं बनी है, अपना टैलेंट है उसके अंदर, अक्षरा सिंह बार बार बात नहीं है, अक्षरा सिंह जो बार बार गाना बनाती है वो पवन सिंह को ही तो टारगेट करती है, आपको लगता होगा वो पवन सिंह को कहला टारगेट करेगा, पवन सिंह भी तो बनाते हैं, पब्लिक को समझ, पवन सिंह भी बनाते हैं, पवन सिंह का गाना नहीं सुने हैं,
कौन सा गाना? बहुत गाना है कि नजर फिर मिलाना पाई, बहुत ऐसा गाना आपको मिलेगा जी उस प्रकार का। आप सुनिए तो, आप अमाक्षा सिंह की फैन नहीं है, उसका देखे उसका जो लुक है, डांस थोड़ा अच्छा लगता है, सबको पसंद है यार। अच्छा। इतनी हॉट हीरोइन है तो किसको पसंद भी नहीं जाती है वो, हॉट है, जहाँ भी जाती है वो, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, किसको पसंद नहीं? अभी भोजपुरी में उसके अलावा कोई अच्छा लगता है? ब्यूटीफुल है तो क्या करेगी, माइक फेंक के भाग जाएगी? अरे माइक बजा है, आपको अगर कोई यहाँ पे ढेला मारेगा तब क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, फेंक के नहीं जाइए। आपको आपको पता है ना, पवन सिंह पे भी जो है पत्थर चलाया गया, खेसारी पे भी पता है, तो कहां वो लोग भागे? अरे वो लोग भी भागे, हम वैशाली में खुद खेसारी भाई का प्रोग्राम करवाए थे, ढेला चला था, वो भागे थे, प्रोग्राम बंद हुआ था, तैया सुधीर भैया से लेके मैटर था, हुआ ये, बहुत सारे कलाकार लोग भागे हैं, उस पर लगा है पत्थर, इसलिए वो भागी है। वहाँ पे भी मामला शांत किया जा सकता था अगर शिवेश मिश्रा डायरेक्ट बात करता कि ऑर्गेनाइजर को नुकसान हुआ, आप कुछ पैसा वापस कर दीजिए, मामला को सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन ये बेटा आके ड्रामा करने लगा और बोला कि पहले तो पटाने का कोशिश किए, शादी करने का प्रपोजल दिए, अक्षय सिंह एक्सेप्ट नहीं की, दीदी बनाए, वहाँ पे भी गुस्सा होकर चली गई, कोई में इसका उपाय नहीं हुआ, तब सोचा कंट्रोवर्सी करके नाम कमा ले, वीडियो एडिटिंग करके चढ़ा दिया और उस दिन से कंटिन्यू वीडियो डाल रहा है उसके नाम से, अक्षय सिंह के नाम से ही ये जी रहा है। फिर माइक लेके एगो रिपोर्टर के तरह, कलाकार का काम क्या है, गायकी करना, वो माइक लेके रिपोर्टिंग क्या कर रहा है बताइए, अपनी बातों को रख रहा है, अपने बातों का, इससे भी लाइव आके भी रख सकता, बताइए जो जो इंसान 5 लाख रुपए देगा एक स्टेज शो के लिए और कहीं ना कहीं वो मतलब आधा घंटा भी वो मतलब शो नहीं करेगा, बाबूजी के पास से दिले, हाँ बाबूजी के पास से दिए, 5 रुपया तो साला देवे नहीं करेगा। आपको शिवेश मिश्रा से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हमको क्या है उसे प्रॉब्लम रहेगा, तो रहे आपकी बातों से, ओइसन ओइसन से जिसके घर में अपने बहन से शादी करता है, ओइसन कोई मतलब नहीं है शिवेश मिश्रा, हाँ लेकिन वो कर रहा है, गलत कर रहा है। अभी वो अक्षय सिंह से 3 लाख रुपया मांग रहा है कि अक्षय सिंह 3 लाख रुपया आधा घंटा के लिए आई तो 3 लाख रुपया वापस दे दे, तो हम गारंटी लेते हैं कि अक्षय सिंह से 3 लाख या 5 लाख रुपया वापस दिलवाएंगे जितना उसको मिले है। लेकिन जिस दिन से ये प्रोग्राम हुआ है उस दिन से ये वीडियो डाला है, उस दिन से जितना वीडियो डाला है और उसके वजह से जितने यूट्यूबर लोग वीडियो डाले हैं, सबका रिवेन्यू क्या है वो अक्षय सिंह को देगा? अगर सबका रिवेन्यू अगर प्रूफ के साथ ये अक्षय सिंह को देने के लिए तैयार है तो बोलिए जहां मिलेगा वहां पे इसके साथ जाके हम अक्षय सिंह से पूरा पेमेंट दिलवाएंगे, 5 के 5 लाख, पूछिए इससे, इसके है ही नहीं भाव। अरे महाराज ये कंट्रोवर्सी करके अपने नाम को कमाना चाहता है, कभी खेसारी पे बोलता है गलत, ये कभी मनीष का सबके पीछे दुम हिलाते चलता है। अभी एक छोटा सा क्लिप भी वीडियो वायरल हो रही है जो कि वो क्या नाम उनका, वीआईपी विजेंदर सिंह के साथ उसका गलत करके आया है। उसके साथ साथ आपको बता दे माही मनीषा हो गए, उसका विरोध किया, कुछ ना कुछ ये करता ही है कंट्रोवर्सी के लिए। इससे अच्छे अच्छे गायक है महाराज स्टेज पे करने के लिए, चंदन यादव हो गए, गोलू राजा हो गए, अनुपमा हो गई, बहुत है। उन लोगों में भी तो हमेशा प्रॉब्लम ही होते रहते हैं, जब भी स्टेज पे जाते हैं एक दूसरे को कुछ ऐसा टिप्पणी कर देते हैं। वो तो घर में, मान लीजिए आप लोग भी रिपोर्टिंग करते होते, एक दूसरे में नहीं होता होगा, थोड़ा बहुत नॉर्मल बात है भाई। तो उसको सोशल मीडिया पे ला के पूरे बिहार को बदनाम करना, भोजपुरी को बदनाम करना कहाँ तक सही है? आप खुद दिल पे हाथ रख के सोचिए कि शिवेश मिश्रा गलत किया है कि नहीं। अगर सिंपली अगर प्यार से अगर वो बात करता तो ऑर्गेनाइजर को नुकसान नहीं होता, 2-3 लाख रुपया अक्षरा सिंह स्वाभिमानी लड़की है पहले ही बोल दिए थे, वो वापस कर देती, वो पैसा को कभी अहमियत नहीं देती है, वो लड़की है, वो कभी भी अपने इज्जत और मान सम्मान से बड़ा कभी किसी चीज को नहीं मानी है वो, इसलिए वो भी ठुकरा दी गई, ठीक है, चाहे पवन सिंह के साथ रिलेशन हो चाहे खेसारी लाल का। अरे एक बार ठुकराने के बाद वो कभी उसका नाम तक सुनना नहीं चाहता, कहाँ ठोक करती है, बिल्कुल नहीं करती है, बहुत बड़े जो है ना ये अक्षरा सिंह के जो है फैन है, जो भी फैन होंगे, ठीक है, इसलिए उनके सपोर्ट में की कोई फैन नहीं है। अक्षरा सिंह एक भोजपुरी की हीरोइन है, हम भी एक कलाकार है, कभी मौका मिलेंगे, ब्यूटीफुल है इसीलिए सपोर्ट में, हॉट है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, भोजपुरी में उसके जैसा कोई है नहीं, इसीलिए सपोर्ट, बिल्कुल ऐसे नहीं है भाई, उनके जैसा कैसे नहीं, बहुत सारी इतनी सारी एक्ट्रेस अच्छा, हैं। उसके जैसा फिगर वाली कौन है बता दीजिए, देख रहे हैं हमको तो उनके, अक्षय सिंह के जैसा फिगर वाली कोई नहीं है, उसके जैसा डांस परफॉर्मेंस स्टेज पे कोई नहीं कर सकता है, काबिलियत है, अमरपाली जी में है, मानते हैं हम उनको, पाखी हैंगड़े थी है, अच्छी है, लेकिन अभी के वर्तमान में जो अक्षय सिंह है इसका बराबरी करने वाला तो कोई नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की शेरनी अक्षरा सिंह जिन्हें लोग कहते हैं, वो अभी बहुत वायरल उनका वीडियो हो रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है। बाकी आप लोग वीडियो सारे देख ही रहे हैं, आप लोग का क्या थॉट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।